वो कहते हैं ना, जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार करो वो अगर ख़राब निकलता है तो आगे उम्मीद भी टूट जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे साथ थॉर लव एंड थंडर को लेके। लेकिन ये मूवी अपने जगह पे भी सही है। वो कैसे, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले इंट्रो। तो कॉमिकर्स में आप लोगों का स्वागत है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूँ, थॉर लव एंड थंडर को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर वही हैं जिन्होंने थॉर रैग्नारॉक को भी डायरेक्ट किया है, टाइका वाइटीटी। और इन्हें कॉमेडी ह्यूमर के लिए ही जाना जाता है। जैसा हमने सोचा था ट्रेलर को देख के, ऐसा होगा वैसा होगा इतना एक्शन होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जितना ट्रेलर में है बस उतना ही। मूवी के स्टार्टिंग का सीन हमें ट्रेलर में ही दिखा दिया गया था, लेकिन मूवी का स्टार्टिंग जस्ट लाइक कॉमिक जैसा होता है। लेकिन यहाँ पे नेक्रोसॉर्ड खुद गॉड के पास आता है, उसका गुस्सा उसकी नफरत को देख के, और उसे और भी करप्ट कर देता है नेक्रोसॉर्ड। टाइका वाइटीटी ने खुद कहा था गौर का नाक नहीं देने का कारण है कि वो हैरी पॉटर का विलन वोल्डेमॉर्ट जैसा लगेगा, इसलिए उन्होंने गौर का नाक दिया। पर मूवी में जब थॉर स्टॉर्म ब्रेकर पर बैठ के उड़ता है तो ये मुझे हैरी पॉटर वाला याद दिला दिया। इस मूवी को देख के ये फील हो रहा था मैं थॉर रैग्नारॉक का अपग्रेडेड वर्जन देख रहा हूँ। बस स्टोरी चेंज है, बाकी वही मसाला, वही डायरेक्शन और वही सीरियस जगह पर जोक मारना। जब थॉर लेडी सिव के पास जाता है उस वक्त लगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सीरियस बात होगा, लेकिन यहाँ पे भी मजाक। मैं देख के बोला, बगल में एक गॉड मरा पड़ा है और उसका हाथ कटा हुआ है और यहाँ पे भी कॉमेडी चल रहा है, कमाल है। सभी जानते हैं टाइका वाइटीटी को वो किस टाइप के मूवी बनाते हैं, लेकिन इन्होंने जो स्टोरी उठाया था वो कॉमिक में काफ़ी डार्क है। चलो ये ठीक है, वो पूरा कॉमिक नहीं लिए, लेकिन कुछ कुछ नर पॉइंट उठाया है। पर थॉर के कैरेक्टर को और भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते थे। थॉर की स्टोरी को शॉर्ट स्टोरी में सुना दिया गया बस। और रैग्नारॉक में जब थॉर को मजाक करते हुए दिखाया गया वो ठीक था, लेकिन इसमें थॉर हर बात में ही कॉमेडी कर रहा है, ये बात नहीं पचा। ट्रेलर में जब ज्यूस को देखा था समझ गया था ये बंदा मजा क्या होने वाला है, लेकिन मैं जब ज्यूस को स्कर्ट में देखा मैं सही में ज़ोर से हंस दिया था। उसने जब सीढ़ियों से उतरने के लिए अपना स्कर्ट पकड़ा मैं देख के हैरान रह गया। वाईटीटी सर सब जानते हैं ज्यूस ठरकी है, लेकिन ये कौन सा मजाक था, इसे देख के तो कुछ और ही लग रहा था। इस मूवी में गॉड का कुछ ज़्यादा ही मजाक बना है, खास करके ज्यूस का। चलो अब मूवी के पॉजिटिव व्यू पे बात करते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूँ जेन म्यूरियर कैसे उठाएगी, इस पर हमने एक थ्योरी दी थी जो 60% सही हो गई। वो वीडियो आई बटन में मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में। इसमें एक न्यू चीज़ देखने को मिला, स्टॉर्म ब्रेकर को जेलस फील करते हुए। थॉर जब जब म्यूनिर के पास था तब तब स्टॉर्म ब्रेकर उसके पास आ जाता था, और इसमें यह भी पता चला स्टॉर्म ब्रेकर के पास भी फीलिंग है और वो भी जाहिर कर सकती है, शौक देके या नाव को हिला के। और इसे ये भी पता चला जैसे ओडिन म्यूनिर पे वर्दी वाला इंचैंटमेंट किया था, वैसे ही थॉर ने जब म्यूनिर को ये कहा मुझसे वादा करो तुम हमेशा उसकी रक्षा करोगे, ये बात म्योनिर पे इंचैंटमेंट वाला काम किया। क्योंकि ओडिन के जाने के बाद थॉर ही अब ऑल फादर था, तो थॉर का बात म्योनिर पे इंचैंटमेंट का काम किया। इसलिए जेन जब मुश्किल में थी म्योनिर ने उसे बुलाया, और जेन जब पास आई म्योनिर रिजरेक्ट हो गया और उसे बना दिया माइटी थॉर। और अगर बात की जाए लास्ट की बैटल जहाँ थॉर, माइटी थॉर और वल्क्री गौर से लड़ते हैं, वो फाइट पूरे मूवी में सबसे बेस्ट थी, लेकिन मार्वल के लेवल की नहीं लगी। ऑडियंस ये मूवी से थोड़ा ज़्यादा एक्शन चाह रही थी क्योंकि इसमें विलन भी गॉड लेवल का है। लेकिन जैसा मैं स्टार्टिंग में कहा ये मूवी अपने जगह पे सही है, क्योंकि इस मूवी का नाम लव एंड थंडर है, तो इसमें हमें लव देखने को मिला गौर और उसकी बेटी के बीच, थॉर और जेन के बीच, और लास्ट में थॉर गौर को ये बताता है प्यार से बड़ा और कुछ नहीं है, और थंडर देखने को तो मिला ही, तो ये मूवी अपने जगह पे सही है। इस पर अभी और भी बातें होते रहेगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इसे यहीं एंड करते हैं। पर हाँ, इस मूवी का कॉमेडी आपको काफ़ी ज़्यादा हंसाएगा। मैं आपको अपना रिलेशन बिटवीन हार्ली एंड जोकर वाला वीडियो प्रीफर करूँगा, इसमें आपको पता चलेगा इन दोनों का रिलेशन क्या कहलाता है। आपको थॉर लव एंड थंडर कैसी लगी मुझसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और ज़रा सा सब्सक्राइब बटन टच कर दें। तो आज की बैठक यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी कॉमिकर्स, बी कॉमिकर्स, बी कॉमिकर्स।